हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग लेंस मेकर फार्मूला पढ़ चुके थे। आज कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आप देखिए, क्वेश्चन डिस्प्लेड है, आपको कम्बिनेशन ऑफ लेंसेस दिया हुआ है। एक लेंस है कन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। दूसरा कनकेव लेंस, फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है। फिर कन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। और पहले लेंस से एक 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमको फाइनल इमेज का पोजीशन पता करना है। फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, ये हमको पता करना होगा। और जब हम पिछले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, तो ये हम बताए थे कि पहले रिफ्रैक्शन के वजह से जो इमेज बनेगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो और कुछ हम आपका साइन कन्वेंशन भी हम बताए थे कि रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो निगेटिव हम लेंगे। तो जो चीज़ हम पहले बता चुके हैं उसी को ठीक अप्लाई करेंगे, उससे हमको डेविएट नहीं होना है। बिल्कुल आप बिल्कुल उसी रूल को हम फॉलो करेंगे जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखो बच्चों, फॉर फर्स्ट लेंस, आप देखिए, फॉर फर्स्ट लेंस रिफ्रैक्शन हो रहा है पहले लेंस पर। अब देखिए, वी हैव 1/v - u = 1/f। ये लेंस फार्मूला है। लेंस फार्मूला और लेंस मेकर फार्मूला दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं, इस बात को आप अच्छे ढंग से समझ लेंगे। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, चूंकि रे इस डायरेक्शन में जा रही है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे दैट विल बी टेकन एज निगेटिव। तो हमको इधर का डिस्टेंस मेजर करना है, तो ये डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो दिस 1/v, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसका फोकल लेंथ 1/10। तो 1/v = 1/10 - 1/30। तो 1/v = ये 30 हो गया -3 - 1, तो दैट इज 2/30। तो v = 15 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बना बच्चों, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। इसका इमेज कहाँ बनेगा, यदि ये दोनों लेंस नहीं रहते तो इसका इमेज कहाँ बनता है? इसका इमेज, यदि ये लेंस और ये लेंस दोनों नहीं रहते तो इसका इमेज 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनता है। यदि दोनों नहीं रहते तब यहाँ पर बनता है। इसका इमेज यहाँ पर बनता है। यदि ये लेंस नहीं रहते तब, यदि ये लेंस कनकेव लेंस नहीं रहता तो फाइनल इमेज, ये भी लेंस नहीं रहता तो फाइनल इमेज यहाँ पर बनता है। ओके, ऐसे इस ढंग से इसका इमेज बनता है। अब देखिए, सुनिए, अब यहाँ से जो इमेज बन रहा है ए का, अब इमेज कहाँ बनेगा, ए पॉइंट पर बनेगा यदि दोनों नहीं रहे तब। लेकिन यहाँ तो एक कनकेव लेंस है, तो अब रिफ्रैक्शन फ्रॉम कनकेव लेंस लिखेंगे। फॉर कनकेव लेंस, फॉर सेकेंड लेंस हम बोल रहे हैं। सेकेंड लेंस के लिए आप देखिए वहाँ पर क्या पढ़े हुए हैं, 1/v - 1/u = 1/f। कनकेव लेंस के फोकल लेंथ को हम निगेटिव लेते हैं, इसको आप वी डैश अब लिखिए। तो 1/v - u, अब इसके वजह से जो इमेज बना है, इमेज कहाँ बना है, इसके वजह से, इसके वजह से इमेज यहाँ पर बना है, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, चूँकि यहाँ से डिस्टेंस ये 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप क्या लेंगे, 10 सेंटीमीटर लेंगे। और चूँकि देखो, जिस डायरेक्शन में रे है उसी डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे, यानी यहाँ पर कोई हम चेंज नहीं कर रहे हैं। और कनकेव लेंस के फोकल लेंथ को हम निगेटिव लेते हैं। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। नाउ आफ्टर दैट, ये v - 1/v - = 0, तो v - = infinity। इसका मतलब इसके वजह से जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा बच्चों, ये इन्फिनिटी पर बनेगा। इन्फिनिटी कहने का मतलब ये रे पैरेलल हो गई। यदि ये लेंस नहीं रहता तो इमेज कहाँ बनता, इन्फिनिटी पर बनता। ओके, आप लिख लीजिए इसको। नाउ फॉर थर्ड लेंस, फॉर थर्ड लेंस
अब तीसरे लेंस की बात करिए, यहाँ पर वन अपान भी डबल डैश करिए माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, वन अपान भी डबल डैश आपको पूछ रहा है। यू क्या है देखो बच्चों, अब इसके वजह से जो इमेज बना है, इमेज कहाँ बना है, इन्फिनिटी पर, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो वन अपान अब इन्फिनिटी हो गया, इसके ये जो है ये डिस्टेंस क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। फोकल लेंथ कितना है बच्चों, फोकल लेंथ है वन बाई थर्टी, फोकल लेंथ 30 है, कैंसिल आउट हो गया। दैट इज भी वन अपान भी डैश इज इक्वल टू वन बाई थर्टी, इसका मतलब भी डैश इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यानी जो फाइनल इमेज है इस रिफ्रेक्शन के बाद, फाइनल इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, ये 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा, यहाँ से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन गया। तो ये फाइनल इमेज रहा, इस ढंग से आप इसको आप पढ़ेंगे। यदि आप रे बनाना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, पैरेलल हो रहा है। फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों, फाइनल इमेज यहाँ पर बन रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट ए जो था उसका इमेज ए डैश यहाँ पर फाइनल इमेज बना, तीनों कॉम्बिनेशन के वजह से। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम डिस्प्ले कर दिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्लेड है, इसको हम पढ़ दे रहे हैं, अब देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 26 सेंटीमीटर एंड फर्दर 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस इज प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट। The principal axis of the lens and the mirror are coinciding and the object is on the axis. Find the position and nature of the image. Okay? देखो बच्चों, आपको दो लेंस दिया हुआ, एक लेंस दिया हुआ है, सपोज यू हैव गिवेन दिस लेंस, ओके सॉरी एक कनकेव लेंस दिया है, कनकेव लेंस दिया हुआ है, यू हैव गिवेन दिस कनकेव लेंस, ये कनकेव लेंस है। और कनकेव लेंस के बाद क्या दिया है बच्चों, एक मिरर दिया हुआ है, दिस इज मिरर और ये एक्सिस है, और इस एक्सिस पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और लेंस का फोकल लेंथ क्या है बच्चों, 20 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर, और कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 15 सेंटीमीटर है, नो ये जो मिरर है 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ये जो मिरर है कितने सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर पर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस मिरर का क्या है, 26 सेंटीमीटर है। एंड फर्दर 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस इज प्लेस्ड एंड ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो आप देखिए, ये जो कम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ये रिफ्रेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों का कम्बिनेशन है, यहाँ पर रिफ्लेक्शंस होगा, रिफ्रेक्शंस होगा। तो कितना रिफ्रेक्शन होगा, कितना रिफ्लेक्शन, देखो एक बार रे यहाँ से जाएगी यहाँ पर, फिर रिफ्रेक्शन होगा, लेंस में रिफ्रेक्शन होता है और मिरर में रिफ्लेक्शन, तो रे गई यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पर यहाँ से लौटेगी यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, तो पहला रिफ्रेक्शन फिर रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रेक्शन, तो तीन बार रे बेंड हो रही है। तो तीन फार्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए रे यहाँ से जा रही है, लेंस फेकर फार्मूला देखिए लेंस पर, तो रिफ्रेक्शन होगा, तो वी हैव सॉल्यूशन में आ जाएंगे, वी हैव वन अपान भी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, वन अपान भी यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम निगेटिव लेंगे, तो वन बाई टेन हो गया। फोकल लेंथ 20 दिया हुआ है, कनकेव लेंस के फोकल लेंथ को हम माइनस रखते हैं, क्योंकि रे इधर जा रही है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो इमेज हम लेंगे, जो डिस्टेंस लेंगे, उसको हम निगेटिव लेंगे, तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये वन अपान भी इज इक्वल टू माइनस वन अपान 20 माइनस वन अपान 10, तो वन अपान भी इज इक्वल टू ये 20, तो ये माइनस वन माइनस टू दैट इज माइनस थ्री अपान 20, तो भी इज इक्वल टू माइनस 20 बाई 3 सेंटीमीटर, भी इज इक्वल टू व्हाट, भी इज इक्वल टू माइनस 20 बाई 3 सेंटीमीटर। माइनस कहने का मतलब क्या है, इसी डायरेक्शन में इमेज बन रहा है,
इसका क्या मतलब हुआ? देखो रे जब इधर जा रही है ना तो ये बेस की ओर थोड़ी बेंड हो गई, डाइवर्ट हो गई रे, इसलिए कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। यानी ये रे कहाँ चली गई बच्चों? यदि ये लेंस नहीं रहता, ये मिरर नहीं रहता, यदि ये मिरर नहीं होता तब, देखो यहाँ पर यदि ये मिरर नहीं रहता, ये डाइवर्जिंग, इसको हम पीछे प्रोड्यूस किए, पीछे प्रोड्यूस करेंगे, यदि ये मिरर नहीं रहता तब की बात कर रहे हैं, पीछे प्रोड्यूस करते तो इसका इमेज यहाँ पर बनता आई वन, अब इसको कह लीजिए, ये सब डिस्टेंस को आप भी वन कहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों? बिल्कुल, जब भी आप लेंस पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें डायग्राम के साथ यदि आप पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन लगेगा कि हम सही कर रहे हैं। तो दैट इज 20x3 सेंटीमीटर पर यह हो गया इमेज बना, 20x3 सेंटीमीटर पर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यदि ये नहीं रहता तब ना इमेज बनता हमारा 20x3 सेंटीमीटर पर, लेकिन हमको तो एक रिफ्लेक्शन भी है वहाँ पर दिया हुआ है, एक रिफ्लेक्शन भी है मिरर से, ये एफ इजिकल टू प्लस 20 सेंटीमीटर यहाँ। अब देखो फ्रॉम मिरर, अब मिरर से क्या हो रहा है भाई? देखो मिरर के लिए तो हमारे पास फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f, दिस इज नोन एज मिरर फार्मूला। हम v2 कह रहे हैं या v डबल डैश। अब देखिए, जो पहले के वजह से जो इमेज बना वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हमने बताया है आपको, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मतलब ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो 1/v2, अब ये क्या है, हम ये जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं यहाँ से, और रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस है, इसलिए हम माइनस यहाँ पर यूज करेंगे, 1/20/3, दैट इज 3/20 हो गया, और फोकल लेंथ 26 सेंटीमीटर है तो 13 हो गया। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा 26 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, इसलिए फोकल लेंथ 13 सेंटीमीटर होगा, और हम कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम निगेटिव लेते हैं, कनकेव मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम निगेटिव लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब हम मिरर की बात कर रहे हैं तो जब मिरर के लिए मिरर फार्मूला जब हम यूज कर रहे हैं तो सभी डिस्टेंस मिरर के पोल से मेजर करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20x3 प्लस 15। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20x3 प्लस 15, ये कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 20 हो गया और ये 45, दैट इज 65x3 होगा, ये 65x3, ये जो आप डिस्टेंस लेंगे ना वो 65x3, 3 विल गो अप, ये ऐसे लेना पड़ेगा हमको। आप नोट कर चुके हैं, ये इसको आप नोट कर लेंगे, हमको ज़रूरत पड़ेगा इसको आगे। तो ये रहा बच्चों, -3/65 हमको लिखना होगा। ओके, अब इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करिए, मिरर फार्मूला हम लिए हुए हैं, तो 1/v1/v2 इज इक्वल टू 1/v2 इज इक्वल टू -1/13 प्लस 3/65, तो 1/v2 इज इक्वल टू 65 हम सॉल्व कर दें, तो -5 प्लस 3, तो v2 के जगह पर आप क्या लिख पाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/v2 इज इक्वल टू हो गया -2/65, तो v2 इज इक्वल टू -65/2, तो दैट इज v2 इज इक्वल टू 32.5, -32.5। तो इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों? ये फिर रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से जो रे आ रही है ना, हो क्या रहा होगा यहाँ पर, यहाँ से जो रे आ रही होगी फिर रिफ्लेक्ट होकर के, ये फिर रिफ्लेक्ट होकर के कहीं इसका इमेज यहाँ पर बनता है I2, कितने डिस्टेंस पर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाता है 32.5, क्यों? क्योंकि ये 15 है और ये 6 है, तो 15 और 6 21, दैट इज और इधर बनेगा ये 32.5 होगा, ये जब हम लिखे हुए,
ये इस ढंग से यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे देखिए रे रिफ्लेक्ट हो रही है। डायग्राम आप बनाते जाइए, डायग्राम जो मैथमेटिकल मैथमेटिक्स में जो भी आपके न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ रहे हैं, जो आंसर्स आ रहे हैं, और उसको डायग्राम से आप कोरिलेट करते हुए चलिए। ओके, तो कितना हो गया बच्चों, ये जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 32.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब रे यहाँ पर ये नहीं रहता तब ना फाइनल इमेज यहाँ बनता, एक बार फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम लेंस, लेंस से क्या होगा भाई, देखिए फ्रॉम लेंस, फ्रॉम कनकेव लेंस, फ्रॉम कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। भी पूछ रहा है, ये थर्ड है, इसको भीतरी हम कर रहे हैं। यू के लिए क्या लिखेंगे, देखो बच्चों, अब चूंकि रे इधर से आ रहा है, रे इधर से आ रहा है, और ये जो मिरर के वजह से जो इमेज बना है वही इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप मेजर करिए कितना होगा, यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो 32.5 माइनस 15 आप कर देंगे, माइनस 15 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। ओके, ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया है आपका 17.5, ये 17.5 सेंटीमीटर हो गया। तो 1/v3, अब सुनिए देखो बच्चों, अब यहाँ चूंकि हमको इधर डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं और रे भी इसी डायरेक्शन में आ रही है और हमको डिस्टेंस भी वही मेजर करना है, तो फिर हमारा यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ ये देख लिए, साइन कन्वेंशन में बिल्कुल अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका सीधा एक ही चीज़ मैंने बताया, यदि जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो निगेटिव होगा। तो चूँकि रिफ्लेक्शन के बाद रे तो इधर से आ रही है, ये जो डिस्टेंस आ रही है रे तो इधर से आ रही है, हमको डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में मेजर करना है I2 के लिए, तो ये U क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब यदि निगेटिव पहले से फार्मूला में था तो यहाँ कोई चेंज नहीं होने वाला है। और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ, कनकेव का फोकल लेंथ तो निगेटिव होता है, तो ये 1/v3 = इस साइड में हम भेज दें 1/17.5 - 1/20, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी -1/140 - 1/140 - 1/140। तो v3 की वैल्यू कितना होगी, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v कितना हो जाएगा बच्चों, 140 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 140 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा फाइनल इमेज। फाइनल इमेज यहाँ से और डाइवर्ट होगा रे, ये पूरा नोट कर लीजिए, इतना नोट करने के बाद आप लिखिए फाइनल इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, ये जो रे है ना, रे आई थोड़ा फिर से, ये फिर यहाँ पर क्या होगा, इसका फिर से रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर, फिर बेंड हो जाएगी ये रे, रे हमेशा बेस की ओर बेंड होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये कन्वेक्स लेंस है ना, तो रे हमेशा बेस की ओर बेंड होती है, तो बेस की ओर बेंड हुई, ये रे बेस की ओर बेंड हुई। और फाइनल इमेज कहाँ बना इसका, फाइनल इमेज यहाँ पर बना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 140 सेंटीमीटर। देखो ये जस्टिफाइड भी है हमारे रे डायग्राम से, रे डायग्राम से हमारा ये जस्टिफाइड है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये प्लस होगा, ये चूँकि इधर का डिस्टेंस हम मेजर करना है, रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो तो पॉजिटिव होगा ना, इसलिए प्लस 140 सेंटीमीटर होगा। ओके, आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इसको आप बनाइए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आप देख लिखिए, क्वेश्चन डिस्प्लेड है, टू थिन सिमिलर कन्वेक्स ग्लास पीसेस आर ज्वाइंट टुगेदर फ्रंट टू फ्रंट विथ इट्स रियर पोर्शन सिल्वर्ड सच दैट शार्प इमेज इज
formed at 0.2 meter. When the air between the glass pieces is replaced by water, refractive index दिया हुआ है 4/3, find the position of the image. Okay? देखो बच्चों, यहाँ पर दो क्वेश्चन डिस्प्लेड है, आप देख सकते हैं. आप देखो, दो कन्वेक्स सरफेस दिया हुआ है, थीन कन्वेक्स सरफेस. बहुत ध्यान से सुनिए, थीन कन्वेक्स सरफेस. ये थीन कन्वेक्स सरफेस की बात कर रहा है. तो जब हम थीन कन्वेक्स सरफेस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर एयर है और यहाँ भी एयर है, यानी दोनों मीडियम सेम है, तब तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा. एक कन्वेक्स सरफेस ये है और एक कन्वेक्स सरफेस ये है, और जो दूसरा वाला कन्वेक्स सरफेस है उसको सिल्वर्ड कर दिया गया है. क्वेश्चन कह रहा है इसको सिल्वर्ड कर दिया गया, और इसका 0.2 मीटर पर शार्प इमेज बन रहा है. जब शार्प इमेज की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रहा है. लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए, जब हम शार्प इमेज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रहा है. अब देखो, चूंकि ये भी एयर है और ये भी एयर है, तो रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट यही है और वहीं पर उसका शार्प इमेज बनना है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रे जा रही है बिना डेविएशन के, यहाँ पर जाएगी बिना डेविएशन के, यहाँ पर जा रही है. क्योंकि डेविएशन क्यों होगा, जब दोनों मीडियम सेम है तो क्यों डेविएशन होगा? और ये बिल्कुल थीन है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा भी इसमें इसका थिकनेस आ जाएगा तब तो ग्लास के वजह से वहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा. इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है थीन, थीन स्फेरिकल सरफेस. और यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हो करके जब रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन हो करके इमेज वहीं बन रही है, मतलब ये जाके यहाँ पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट कर रही होगी, तभी ना बैक होगी अपने ही डायरेक्शन में. कोई भी रे यदि कोई सरफेस है और एकदम बिल्कुल बैक कब होगी, जबकि यहाँ पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो तभी बैक होगी. इसका मतलब ये इसके सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, और नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इसका मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ये पॉइंट क्या है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, वो क्या है बच्चों, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है और वहीं पर इसका फाइनल इमेज भी बन रहा है. तो कई बातें आपको क्लियर हो गई. इस केस में यू क्या है भाई, यू देखो 0.2 मीटर कहने का मतलब 20 सेंटीमीटर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, दोनों सेम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहाँ 20 सेंटीमीटर है. ये क्लियर हो गया बात, ये बात आपको समझना चाहिए. अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि इसमें हमने भर दिया वाटर, यहाँ पर वाटर आ गया, आप देखिए यहाँ पर वाटर आ गया, और इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 4/3. अब देखो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, अब देखिए यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही रे म्यू वन से म्यू टू में गया, ये थोड़ा सा बेंड होगा, ये बेंड होगा. और यहाँ फार्मूला फर्स्ट सरफेस हम फार्मूला यूज करेंगे, पर फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन एट सब फर्स्ट सरफेस की बात करेंगे. तो देखो रे म्यू वन से म्यू टू में गया, तो हम क्या लिखेंगे, म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन. ये पहला सरफेस है, आर वन आप लिख सकते हैं यहाँ पर. अब म्यू टू अपान जो कि फर्स्ट सरफेस है तो इसको वी वन आप लिख लीजिए. म्यू टू क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 4/3 वी वन माइनस म्यू वन एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1. यू क्या है, ये 20 सेंटीमीटर, और चूंकि रे के अपोजिट डायरेक्शन में रे इस तरह जा रही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव निगेटिव मिल करके प्लस हो गया. फिर ये म्यू टू 4/3 माइनस 1 आर 1. देखो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चूंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा इसमें, और रे भी इधर जा रही है, तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे 20. तो इट मीन्स व्हाट, 4/3 वी 1 इज इक्वल टू प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/60. तो 4/3 वी 1 इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/20.
तो 4/3 V1 इज इक्वल टू यहाँ 60 हो गया, ये 1-3, ये -2/60, तो 4/3 V1 इज इक्वल टू -2/60। तो आप देखिए V1 इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 20 हो गया, V1 इज इक्वल टू व्हाट, V1 इज इक्वल टू 4/60/2/3, दिस इज इक्वल टू V1, माइनस साइन रहेगा यहाँ पे, तो ये कैंसिल आउट होगा 3 × 20 और ये 2, तो V1 इज इक्वल टू -20 cm। ओके, V1 इज इक्वल टू -20 cm, V1 इज इक्वल टू -20 cm, पहले रिफ्रैक्शन के वजह से जो इमेज बनेगा, आप इसको थोड़ा देख लीजिए, -20 × 2 = 40 cm, -40 cm, V1 इज इक्वल टू -40 cm। ओके, तो -40 cm कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस कहने का मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज बन रहा है, और इमेज ये वर्चुअल बन रहा है। आप रे डायग्राम बिल्कुल बनाते हुए चलिए, ताकि हमको रे डायग्राम हम बना लेंगे तो बहुत सारा चीज़ हमको क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पर इमेज बन रहा है I1, हम इसको कहते हैं V1 के लिए, कितने सेंटीमीटर पर बच्चों, ये 40 cm पर वर्चुअल इमेज होगा ये। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये जो पहले की वजह से जो इमेज बना वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने लगा, तो हम कनकेव सरफेस की बात करेंगे, तो कनकेव सरफेस के लिए फॉर कनकेव मिरर हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग है, फॉर कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या वो मिरर की तरह अब तो काम करेगा, वहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मिरर फार्मूला है 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F, ये ध्यान रखेंगे। भी पूछ रहा है, V2 कह लेंगे अब इसको हम, 1/V2, यू क्या लेंगे, अब देखो बच्चों ये रे तो इधर जा रहा है, हम डिस्टेंस क्या है उसके अपोजिट में मेजर कर रहे हैं, तो -1/40, और कनकेव का फोकल लेंथ माइनस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 आया था, तो फोकल लेंथ 10 हो जाएगा, -1/10, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1/V2 इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/10, तो 1/V2 इज इक्वल टू ये 40, 1-4, तो 1/V2 इज इक्वल टू 1/V2 इज इक्वल टू -3/40, 3/40, तो 40 इज इक्वल टू -40, V2 इज इक्वल टू -40/3, V2 इज इक्वल टू -40/3। ओके बच्चों, तो यानी यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हुआ उसके वजह से इमेज कहाँ बनेगा, माइनस करने का मतलब इसी साइड में बनेगा इसके वजह से, लेकिन एक रिफ्लेक्शन और होगा जब रे लौटने लगी यहाँ से, जब रे यहाँ से लौटने लगी, यहाँ से रे लौट रही होगी, यहाँ से रे लौट रही होगी, ये नहीं, यदि ये सरफेस नहीं रहता तो 40/3 पर बनता इसका इमेज, फोर्टीन सेंटीमीटर पर करीब करीब इधर यहाँ पर बनता, यहाँ पर बनता इमेज, यदि ये नहीं रहता तब, सेकेंड सरफेस नहीं रहता तब की हम बात कर रहे हैं, इमेज कहाँ बनता बच्चों, यहाँ पर बनता, कितने डिस्टेंस पर, ये 40/3 cm पर बनता इमेज, यदि ये नहीं रहता तब की बात है। डॉटेड का मतलब डॉटेड तो एक्चुअल है नहीं, ये हम I1, इसको हम I2 कह रहे हैं, रे डायग्राम बनाते हुए चलेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा आपको। चलिए अब रे बाहर आ रही है फाइनली, अब रिफ्रैक्शन, अब यहाँ पर ये जो रे आ रही है, अब ये थर्ड रिफ्रैक्शन आप देखिए, तो अब सुनो देखो बच्चों, हमारे पास फार्मूला है, रे यहाँ से आ रही है, वाटर से जब एयर में आ गया, तो हमारे पास हम फार्मूला क्या लिखेंगे, μ1/V माइनस μ2/U
इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर, ये हमारे पास फार्मूला है। चूँकि रे म्यू टू से म्यू वन में आ रहा है इसलिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अब देखो म्यू वन क्या है, चूँकि रे हमारा एयर में जा रहा है तो एयर के लिए म्यू वन की वैल्यू वन लिखेंगे। भी फाइंड आउट करना है, भी थ्री हम इसको लिख रहे हैं। माइनस म्यू टू क्या है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फोर बाई थ्री। यू क्या है, अब देखिए इसके वजह से जो इमेज बन रहा था आई टू वही थर्ड रिफ्रेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो 40/3 सेंटीमीटर आया था, यू क्या है 40/3 सेंटीमीटर, 3 विल गो अप। और एक बात और ध्यान रखिए, ये जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, रे इधर से आ रही है और डिस्टेंस भी हम इधर ही मेजर कर रहे हुए हैं तो रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलरली म्यू वन वन म्यू टू फोर बाई थ्री आर। अब देखिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है, इस साइड में है, तो चूंकि रे इस इधर है आ रही है और रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो यहाँ हमको माइनस लिखना होगा, माइनस 20। बिल्कुल हम साइन कन्वेंशन जो बताए हैं हम उसी का यूज कर रहे हैं, कहीं हम रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, वन अपन भी थ्री इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस वन बाई टेन हो गया, ये माइनस वन बाई टेन, एंड दिस इज इक्वल टू थ्री फोर, माइनस वन बाई थ्री और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज वन बाई सिक्सटी हो जाएगा, ये वन बाई सिक्सटी। तो वन अपन भी थ्री इज इक्वल टू, वन अपन भी थ्री इज इक्वल टू वन अपन टेन प्लस वन अपन सिक्सटी। इसको सॉल्व कर लीजिए, आफ्टर सॉल्विंग वी विल राइट वन अपन भी इज इक्वल टू वन अपन टेन प्लस वन अपन सिक्सटी, वन अपन भी इज इक्वल टू दिस सिक्सटी, नाउ सिक्स प्लस वन, तो भी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज सिक्सटी अपन सेवन। तो आफ्टर दैट भी इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, 60 बाई 7, 60 में आप 7 से डिवाइड कर लीजिए, हो गया। तो इसका मतलब फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा बच्चों, फाइनल इमेज यहाँ से बन गया है आपका, ये हो गया है, आप देख लीजिए 8.57 सेंटीमीटर, ये इतने डिस्टेंस पर हो गया। देखिए हर एक चीज़ आप फिगर से जस्टिफाइड है, फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप रे डायग्राम बनाते हैं, जब भी आप रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, फिगर जरूर बनाइए, फिगर से हर एक चीज़ आपका कन्फर्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और ये भी आप कन्फर्म होते हैं कि हम जो बना रहे हैं वो प्रोसेस सही है कि नहीं। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट एयर से आपका वाटर में गया, बेंड किया, इसका वर्चुअल इमेज कहाँ पर बना, 40 सेंटीमीटर पर, आप देख लीजिए रे डायग्राम से भी ये चीज़ अब क्लियर है। उसके बाद रे आपका ये कनकेव स्फेरिकल सरफेस पर गया और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वहाँ मिरर फार्मूला हमने अप्लाई किया और इसका इमेज कहाँ बना, इसका इमेज बना 40/3 सेंटीमीटर पर इस मिरर के वजह से। यदि ये सरफेस नहीं रहता तब इसका इमेज बनता, तो कितने डिस्टेंस पर बनता, 40/3 सेंटीमीटर पर। यहाँ से रे आ रहा है, यदि ये सरफेस नहीं रहता तो इसका इमेज कहाँ बनता, 40/3 सेंटीमीटर पर आई टू। लेकिन ये सरफेस भी है, फिर एक बार रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होने के बाद रे डेंसर से मतलब वाटर से एयर में मूव करेगी और फाइनल इमेज आपका 8.57 सेंटीमीटर पर बन जाता है। ओके, तो हर एक चीज़ आपका क्लियर है, इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन डिस्प्लेड है। क्वेश्चन इस ढंग से है, एन इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस हुज रेडियाई आर 20 सेंटीमीटर ईच इज प्लेस्ड ऑन ए प्लेन मिरर व्हेन ए पिन इज ब्रॉट 30 सेंटीमीटर अबव द लेंस देयर इज नो पैरेलेक्स बिटवीन द पिन एंड द इमेज। If now the transparent liquid is dropped between the lens and the mirror, then the order to again remove the parallax, the pin is held 50 centimeter above the lens. Determine the focal length and the nature of liquid lens.
एंड फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। ओके, देखिए बच्चों, पहले ये कह रहा है कोई कन्वेक्स लेंस है, बाई कन्वेक्स लेंस, यू हैव गिवेन दिस बाई कन्वेक्स लेंस, दिस बाई कन्वेक्स लेंस। दिस इज बाई कन्वेक्स लेंस, और ये बाई कन्वेक्स लेंस किसी प्लेन मिरर पर रखा हुआ है, यू हैव गिवेन दिस प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर पर ये रखा हुआ है, बाई कन्वेक्स लेंस है, प्लेन मिरर पर रखा हुआ है। आप देखिए यहां पर, यहां से 30 सेंटीमीटर पर, यहां से 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज भी यही बनता है। ऊपर से हम 30 सेंटीमीटर पर रख लिए, ये 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो यहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही पॉइंट पर बन रहा है। तो देखो ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही पॉइंट पर बनने का मतलब क्या हुआ है? यहां पर देखिए दो बार यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, एक तो ये है लेंस, लेंस के वजह से, और पैरलेक्स नहीं है, पैरलेक्स नहीं है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही पोजीशन पर हैं। अब सुनो, देखो एक ही पोजीशन पर होने का मतलब क्या हुआ? यहां से जो रे रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, यहां से जो रे रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, अपने पाथ को ट्रेस करे, सेम पाथ से मूव करके जाए, अपने पाथ को रिट्रेस करेगा तभी ना जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पर पहुंच जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए इसको यहां पर नॉर्मली इंसिडेंट होना होगा। यदि नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, यदि ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है इस प्लेन मिरर पर, तभी रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ को फॉलो करेगा, सेम पाथ को फॉलो करेगा और जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज बनेगा। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। इसका मतलब यहां पर रे जो है इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मली, यहां पर रे इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मली, तभी जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रहा है। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपका। इस पॉइंट पर रे नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है। नॉर्मली इंसिडेंट करने का मतलब ये जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस से पास करने के बाद रे पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। अब रे पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये क्या है? ये फोकस है, क्योंकि फोकल पॉइंट क्या होता है? फोकल पॉइंट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द रेज बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद रेज क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो इस ग्लास का फोकल लेंथ कितना हो गया? फोकल लेंथ ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये चीज यहां से ये आपका क्लियर हो गया ना, ये चीज यहां से आपका क्लियर हुआ। रे यहां पर बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट करनी चाहिए। जब रे नॉर्मली इंसिडेंट करेगी तभी अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। एक बात क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि यदि रे को यहां प्लेन और ग्लास, ये जो प्लेन मिरर है और ग्लास, इसके बीच में यदि हम वाटर रख दें, कोई लिक्विड रख दें, हम लिक्विड रख दिए, यहां था ये प्लेन मिरर था, इसके ये पहले इस केस में ये खाली था, अब ये स्पेस में क्या हो गया बच्चों? ये देखो ये वाटर से भरा हुआ है, कोई लिक्विड है, वाटर नहीं है, अब अननोन लिक्विड है, ये लिक्विड है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शायद पता करना है, अभी क्वेश्चन में देखते हैं। आप देखिए, अब कह रहा है कि सेम वही स्थिति पाने के लिए, दैट इज जहां ऑब्जेक्ट है वहां पर, वहीं पर इमेज है, हमको ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पर रखना पड़ता है। पहले हम कहां रखे थे बच्चों ऑब्जेक्ट को? पहले हम केवल 30 सेंटीमीटर पर रख रहे थे, अब कहां हमको रखना पड़ रहा है? यदि ऑब्जेक्ट को हम 50 सेंटीमीटर पर रख दिए, यहां पर ये थिन लेंस है, थिन लेंस के थिकनेस को हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, तो क्या होगा? तो फिर वही सिचुएशन आ रहा है, वही सिचुएशन का मतलब रिफ्रैक्शन के बाद रे पैरेलल हो जा रही है, मतलब कॉम्बिनेशन के लिए हो गया। इट मींस यहां पर दो लेंस है, एक ये ग्लास है, एक ग्लास का मटेरियल बना हुआ है और यहां पर लिक्विड है, दोनों मिल करके दोनों का फोकल लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर पर है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कैपिटल एफ से लिखें, तो कैपिटल एफ क्या है बच्चों? ये 50 सेंटीमीटर है। तो यहां पर देखिए दो लेंस है,
इसको बाई कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और ये जो लेंस बन रहा है जिसको कि हम डॉटेज करके लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर से जो लिख रहे हैं, ये उसका वो भी एक लेंस है, लिक्विड का लेंस है। उसका एक सरफेस प्लेन है और दूसरा सरफेस कनकेव है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेनो कनकेवो लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस ना, ये प्लेनो कनकेव लेंस। तो दो लेंस हो गया, एक ग्लास का और एक लिक्विड का लेंस हो गया, और दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर। तो दो लेंस यदि एक साथ कांटेक्ट में रखे हुए हैं तो उनका फोकल लेंथ होता है 1/f1 + 1/f2, ग्लास का फोकल लेंथ प्लस लिक्विड का फोकल लेंथ। अब हमको 50 दिया, 1/50 ये दिया हुआ है, fg हमको ये भी दिया हुआ है 30, तो यहाँ से हम लिक्विड का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से 1/FL = 1/50 - 1/30, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/FL = ये कितना हो गया 150 हो गया, 3 - 5 दैट इज -2/150, तो F of L = -75 सेंटीमीटर, यानी जो लिक्विड लेंस है उसका फोकल लेंथ है -75 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसका नेचर क्या है, उसका कनकेव नेचर है, उसका नेचर क्या है बच्चों, कनकेव नेचर है। ओके, अब हमारे पास फार्मूला है 1/F = μ - 1 / 1/R1 - 1/R2। अब 1/F क्या है, 1/75 = μ - 1, R1 क्या है, जिसके देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है इस सरफेस का, क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। देखिए तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया बच्चों, 20 सेंटीमीटर है, और ये 20 सेंटीमीटर चूंकि ऑब्जेक्ट है, रे इधर से आ रही है, रे इधर से ना आई, रे इधर से आ रही है, और हमको ये जो डिस्टेंस यहाँ से मेजर करना है अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना है, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करना है, इसलिए हमारा ये माइनस हो जाएगा, -1/20 - 1/20, R2 इन्फिनिटी होगा क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी होता है। तो μ-1 = 20/75 μ-1 = और ये जो कनकेव स्फेरिकल प्लेनो कनकेव था तो इसका फोकल कनकेव, चूंकि नेचर इसका कनकेव का हो गया था, तो इसका कनकेव का आपको पता है ना, कनकेव लेंस का हम फोकल लेंथ निगेटिव रखते हैं, तो ये भी देखिए यहाँ पर निगेटिव हो गया और ये भी निगेटिव है 20, इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, μ-1 हो गया, 1/∞ खत्म हो गया, ये -20 हो गया, तो ये देखिए माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, दैट इज 20/75, तो दिस इज इक्वल टू 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 4/15, तो μ = 1 + 4/15, ये हो गया, ये आपका 15 हो गया, ये 19 हो गया, तो ये 19/15 ये हो जाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आती है 1.27, इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 1.27, तो जो लिक्विड दिया हुआ है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया 1.27। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे, हम नेक्स्ट आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, जो क्वेश्चन डिस्प्लेड है देख लीजिए। ओके, थैंक यू, क्वेश्चन होमवर्क बनाइए। ओके, थैंक यू।